अंधा होता है। अब लेकिन होता क्या है कि जैसे तुमने लव मैरिज करी तो लव मैरिज के कुछ महीनों के बाद कि भाई एक लड़का अपने ससुर से जाके क्या शिकायत करता है, बीबी से इसलिए नहीं क्योंकि वो तो सुनती नहीं है, लव मैरिज की है तो अपने ससुर से जाके क्या बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा कि अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। यानी कि भाई बीवी ने तो सुनना बंद ही कर दिया, अब ससुर से जाके क्या बोलेगा, सुनाइए मैंने एक बार, अब ससुर से जाके क्या बोलेगा कि भाई अपनी अपनी यानी अपनी लाड़ो बेटिया यानी अपनी गुड़िया रानी को जो मेरे लिए भाई साहब सिर पर नाच रही है अब ये जबकि प्रेम में चल रहा है भाई साहब, ये लव मैरिज का सिस्टम है, अरेंजमेंट सब कुछ भी नहीं होता, सब कुछ लीनियंटली होता है, ठीक है। अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है यानी सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है के दफ्तर जाना पड़ता है हम 5 बजे सुबह 5 बजे के भाई दफ्तर जाना पड़ता है हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी भरते हैं। जाना पड़ता है हम 5 बजे उठ जाते हैं, पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं, और 6:15 बजे चाय बना खुद बनानी पड़ती है, 6:15 बजे चाय बना धंधों को जगाना पड़ता है, 6:15 बजे चाय बना धंधों को जगाना पड़ता है, कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना। रियलिटी यही है कि भाई कि कभी कभी तो गुस्से में खाना पड़ता है, और थप्पड़ खाकर भी जिंदा हूँ हमें संभालो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। अब क्या होता है कि भाई युद्ध शुरू हुआ, जब घर में भी युद्ध हुआ क्या कि युद्ध शुरू होता है तब हर बोले भी शर्माते हैं, तोपे अश्रु बहाती यानी रोती है, तोपे अश्रु बहाती हैं परमाणु बम थर्राते हैं, ऐसे में हम अपनी कुटिया के नीचे के भाई हाँ वही वही गुजरते हैं उसमें लॉजिक क्या कि भाई जब घर में युद्ध शुरू हुआ तो यानी तोपे और उसके भयानक युद्ध से ही भयानक है, कैसे के युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, तोपे अश्रु बहाती हैं परमाणु बम थर्राते हैं, घर की पौड़ी के बाहर आजकल जब ढेरी बोलते हैं उसको उसको पहले पौड़ी बोलते थे कि भाई घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं, खटिया के नीचे है हम खेच निकालो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी कह रहे मैं भी भाई साहब पढ़ा मैडम हूँ मैं भी खटिया तो करो कैसे निकाल दूं, मेरे साथ भी यही हुआ है। तो क्या हो गया फिर आगे क्या हुआ के? वैसे तो अब मारती क्यों पीटती क्यों, अब उसके लिए के वैसे तो दिन में 9-10 मौसम्बी का रस पीती है, फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जी रही है, कभी कभी तो मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में हमको कछुए की तरह से पटना पड़ता है। कभी कभी मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में मुझको कछुए की तरह से मटना पड़ता है, कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ मुझे उठा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, अपनी लाडो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी।